हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू ग्रामर का ये जो मुताशाबी अल्फाज है इसका क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और ये मुताशाबी अल्फाज में से क्वेश्चंस आना आम हो चुका है, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मुताशाबी अल्फाज किसे कहते हैं इन्हें आप पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि मुताशाबी अल्फाज किसे कहते हैं। तो देखिए, बाज अल्फाज ऐसे हैं जिनके तलफ़ुज तकरीबन यकसा होती हैं, जिनके तलफ़ुज यानी लिखने में भी और पढ़ने में भी एक ही जैसा होता है, यकसा होती हैं, एक ही जैसा होता है, लेकिन उनके जो माना है वो एक जैसा नहीं होता है, माना एक नहीं होता है। इस किस्म के अल्फाज के चंद मिसालें नीचे दी जाती हैं और उसी को मुताशाबे अल्फाज कहा जाता है, यानी जो एक ही जैसा लगेगा, देखने में भी एक जैसा लगेगा और पढ़ेंगे जो आप, तो जो साउंड जो होता है किसी मतलब कि कम से कम 60% जो है ना एक ही जैसा लगेगा, उसी को हम लोग मुताशाबी अल्फाज कहेंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये जो नीचे में आपको इधर जितना भी रेड कलर का दिया रहेगा ये सब आपका मुताशाबी अल्फाज रहेंगे। और तफरीक माना, तफरीक माना का इसका मतलब होता है कि माना में फर्क है ना, माना में फर्क। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुताशाबी अल्फाज को इंग्लिश में कहते हैं पैरोनिम्स। क्या कहते हैं? पैरोनिम्स, ठीक है, पैरोनिम्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक नंबर में है अर्ज, अलिफ रा ज़ाद अर्ज, और ये एक होता है आयन रा ज़ाद अर्ज। तो दोनों में पढ़ते हैं अर्ज अर्ज, तो दोनों एक ही जैसा लगा कि नहीं लगा? एक ही जैसा लगा, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मुताशाबे अल्फाज, इन दोनों को हम कहेंगे मुताशाबे अल्फाज। तो इसका माना में क्या फर्क है? तो अर्ज का माना होता है जमीन, है ना, अर्ज का माना जमीन। जो स्टूडेंट्स अरबी पढ़े लिखे हैं तो उनको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा, जो अरबी पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनको बेहतर से मालूम होगा कि अर्ज का माना होता है जमीन, अर्जुन जमीन होता है, ठीक है। वैसे आपको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और उसके बाद में अर्ज आयन से जो अर्ज होता है जिनका माना होता है चौड़ाई, ऐसे नहीं कहते हैं मेरा जमीन इतना अरज का है, मेरा कॉपी, मेरा शर्ट जो है, या फिर कपड़ा जो नापने जाते हैं आप दुकान में, तो दुकान वाला नहीं बोलता है कि ये इसका, या फिर आप ही पूछते हैं ना इसका अरज कितना है, यानी ये मतलब कि अरज ज्यादा है कि अरज कम है, जो शर्ट वगैरह या फिर पैंट सिलने के लिए जाते हैं तो कपड़ान में जो रहता है ना वो, उसको कहते हैं अरज, जिसका माना होता है चौड़ाई, ठीक है। चलिए आइए, अब अगला मुताशाबी अल्फाज जो है एक होता है हसीना, स्वाद से सीन से हसीना, जिसका माना होता है खूबसूरत। देखिए, ये जो है ना मुताशाबे अल्फाज, ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको इसके मीनिंग के साथ ही पूछा जा सकता है, कि पूछ लेगा हसीना का माना बताइए, इस हिसाब से पूछ सकता है, या फिर ये कह सकता है कि इनमें से मुताशाबे अल्फाज को छांटें, इस हिसाब से भी आपको ऑब्जेक्टिव के रूप से पूछेगा। तो मैं आपको सरसरी बता देता हूँ, आप उसको क्या करेंगे समझ लेंगे। तो हसीना जो सीन से होता है जिसका माना होता है खूबसूरत औरत, और एक होता है स्वास से हसीना जिसका ना होता है उस्तवार या फिर मुहकिम, और अब्द का माना होता है बंदा, और अलिफ से जो अब्द होता है जिसका माना होता है हमेशा, है ना, अब्दुल्लाह अल्लाह का बंदा, है ना। तो इसीलिए अब्द का आयन से जो होता है अब्द जिसका माना होता है बंदा, और एक होता है अलिफ से अब्द जिसका माना होता है हमेशा। अच्छा, एक होता है हाल, हा अलिफ लम हाल, जिसको कहते हैं हालत, आपकी हाल कैसा है, आपकी हालत कैसी है। तो ये जो हाल है ना, ये है आपका, ये जिसका माना होता है हालत, और एक होता है छोटी हाँ से जो होता है उसका कहते हैं इलायची सफेद। यहाँ पर छूट गया है थोड़ा सा, मतलब चाक टाइपिंग मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ होना चाहिए था इलायची सफेद। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जाल, जाल और एक होता है जाल, तो ये दोनों मुताशाबे अल्फाज हैं, क्योंकि ये दोनों देखने में थोड़ा बहुत एक जैसा लग रहा है और साउंड में एक जैसा है, जाल जाल। तो जाल का माना होता है फंदा, जिसमें लोग मछली वगैरह मारते हैं ना, तो वो होता है जाल, उसी को जाल जिसमें मछली वगैरह मारा जाता है, फंदा होता है। और एक होता है जाल जिसको कहते हैं असल की तरह नकल, यानी जिसको कहते हैं जाली, ये किताब जाली है, ये पैसा नकली है, जाली है। तो जाली जो है ना, जाली होता है असल में, जीम आयन लाम से बनता है, तो हम लोग जाले जाली करते हैं, पैसा जाली है, तो जाली नहीं हो रहा, जाली है, आयन से होना चाहिए। तो जिसका मतलब होता है असल की तरह नकल, जिसको कहते हैं नकल जो माना होता है, ठीक है। चलिए जी, अब अगला है तावील और एक होता है तावील, दोनों आपका मुताशाबे अल्फाज हैं। तो तावील का माना होता है बात फेरना,
बात फेरना, और एक होता तावील जिसका माना होता है दोस्ती करना। ठीक है जी, चलिए अगला है अदा, अलिफ दाल अलिफ अदा, और एक होता है आदा, आयन दाल अलिफ आदा। तो ये दोनों मुताशाबी अल्फाज हैं। तो अदा का माना होता है रोशन, तरीका अदा का माना, और आदा का माना होता है सवा, क्या होता है सवा, सीन वाव अलिफ सवा। चलिए जी अगला देखेंगे हम लोग, एक होता है सहू, क्या होता है सहू, सीन छोटी हा वाव सहू, और एक होता है आपका स्वाद हा वाव सहू, जिसका माना होता है होशियार होना, सहू माने होशियार होना और सहू का माना होता है भूलना, दोनों आपका मुताशाबी अल्फाज हैं। अब अगला देखिए, अगला है सदीद, सीन दाल यादा सदीद, और एक होता है स्वाद दाल यादल सदीद, जिसका माना जो कि मुताशाबी अल्फाज हैं। तो ये होता सदीद का माना होता है दुरुस्त, ये होता सदीद माने दुरुस्त, और एक होता सदीद जिसका माना होता है पीप, पीप समझते हैं ना, फोड़ा फुंसी वाला पीप जो निकलता है। अब अगला है साद, और एक होता है साद, जो कि एक जैसा लफ्ज है, तो मुताशाबी अल्फाज हो गया, और साद का मतलब होता है नेक, जिसे ना सआदत हासिल करेंगे, जो दान देंगे उसको सआदत मिलेगी, यानी नेकी मिलेगी। और एक होता है स्वाद अलिफ दाल, जिसका ना तो हरूफ तहजी में से एक हरूफ है जिसका नाम है स्वाद, है ना, स्वाद को ही लिखा यहाँ पर, स्वाद स्वाद जवाद तो है ना वही वाला है। चलिए अगला है कि जहमत, और एक होता है जहमत, दोनों एक ही चीज है, साउंड में एक ही चीज लग रहा है ना, मुताशाबी अल्फाज हो गया। तो जहमत का मतलब होता है तकलीफ, तुम क्यों जहमत उठा रहे हो, ना मुल्तान आदमी, तुम क्यों जहमत उठाते हो, उसको करना करने दो, जहमत में तकलीफ, तुम क्यों तकलीफ उठाते हो। और एक होता है जहमत सॉस है, उसको होता है बदबू, ठीक है, बदबू मतलब ये खराब मतलब की बू। अच्छा एक होता है खार, खा अलिफ रा खार, जिसका माना होता है कांटा, क्या होता है कांटा, और एक होता है खौर, जिसमें होता है जलील, जलील खौर हो गया वो, बोलते ना, ठीक है, तो जलील और खौर से बना खार, जिसका माना होता है जलील। तो ये दोनों खार खौर एक ही लफ्ज है, मतलब मिलता जुलता लफ्ज है, इसलिए दोनों हो गया मुताशाबे अल्फाज। एक होता है इमारत, जो कि आप लोगों को पता है कि आबादी जो होता है, और एक होता है इमारत अलिफ से जो होता है, उसका होता है सर दर्दी। ठीक है चलिए अब अगला आइए दिखा, अगला पढ़ते हैं कि यहाँ की आम है, आयन अलिफ मिम आम, और एक होता आम अलिफ मद्दा मिम आम। तो अलिफ मद्दा मिम आम के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये एक फल का नाम है, मशहूर फल है, और एक आयन अलिफ मिम आम का मतलब गैर मुअय्यन, यानी कहते हैं ना कि आम आदमी मतलब जो कि ये जो है ना, ये कॉमन नाउन हो गया, कॉमन कह सकते, कॉमन आम का माना कॉमन, यानी आम लोग कोई भी आ सकता, गैर मुअय्यन, जो मुअय्यन ना हो, जो मखसूस ना हो, जो खास ना हो, गैर मुअय्यन कॉमन हो गया। ठीक है अच्छा, दोनों मुताशाबे था इसलिए दोनों मुताशाबे अल्फाज हैं। उसी तरह सद, और एक होता सद जो कि मुताशाबे अल्फाज हैं। तो सद का मतलब होता है मशहूर फल, और सद का मतलब होता है सू, समझ गया। अच्छा अच्छा एक है अगला है आपका शाब, और एक होता है शाब, शाब का माना होता है जवान, ये जो आप लोग पढ़े लिखे होंगे अगर अरबिक तो आप लोग पता होगा शब्बुन जवान होता है, तो इसलिए शाब यहाँ पर है, जिसका माना है जवान, और एक शाब जो कि आपका है शुआफ के माना है। तो ये दोनों एक ही जैसा लग रहा था, मुताशाबे हो गया। अगला है हिलाल, और एक होता है हिलाल, तो हिलाल का माना होता है नया चांद, है ना, हिलालुन चांद, हिलालुन चांद, जो अरबिक पढ़े लिखे हैं उन लोग पता होगा हिलालुन, बचपन में ही पढ़े लिखे होंगे छोटे, इसमें हिलालुन चांद होता है कमर, माने भी चांद होता है कमर, ताप मीम रा कमर माना भी चांद, हिलाल में भी चांद। और एक होता हिलाल जो होता है, जिसे होता जायज रवा, क्या होता है जायज रवा, यहाँ पर छूट गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, वाव की जगह में दाल हो गया टाइपिंग, तो जायज रवा, हलाल माने जायज रवा। अगला है आपका कि खानदान, ये नस्ल, नस्ल का माना होता है खानदान, कहते हैं तुम्हारे तुम्हारी नस्ल खराब है, बोलते ना आदमी, कोई आदमी गड़बड़ कर देता है तो बोलता है कि तुम्हारी नस्लें खराब है, तुम्हारी नस्ल ही खराब है, नस्ल माने खानदान, तो यानी तुम्हारा खानदान खराब है। और एक होता है स्वाद से, यानी नून स्वाद लाम, नस्ल माना होता है, नस्ल का मतलब क्या होता है, तेजो नीजा, तेजो तीरो नीजा, तीरो नीजा, नीन स्वाद लाम, तो इसलिए दुनिया की जैसा था, इसलिए हो गया मुताशाबे अल्फाज। आई होप आपको समझ में आ गया कि मुताशाबे अल्फाज किसे कहते हैं, क्या है, आप लोग इसको बहुत ही जबरदस्त तरीके से रट लेंगे, समझ लेंगे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का नोट्स लेना चाहते हैं,
तो दिए गए नंबर 8226928812 इस नंबर पर आप लोग रब्ता करेंगे और डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए उर्दू का नोट्स ले देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।